नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज हम चर्चा लेकर आए हैं आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने के मासिक राशि फल के बारे में। चर्चा का शुरू करने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे, हमारी मासिक राशि फल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की नक्षत्र उपनक्षत्रों के ऊपर दोस्तों आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा नहीं की जा सकती। हम अपने YouTube चैनल के ऊपर जितने भी KP एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं उनमें हमेशा कहते हैं कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो अपनी उच्च की राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, अपनी सब राशि में हो, ग्रह अपने नक्षत्र का फल देने के लिए मजबूर होता है दोस्तों। फल अच्छा हो या बुरा उसका फैसला उस ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी करता है। इसलिए हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं सारी चर्चाएं ग्रहों के नक्षत्र और उपनक्षत्रों को लेकर ही होती हैं। दूसरी बात, हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा चाहे मासिक राशि फल की हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, लग्न राशि के ऊपर आधारित रहती है, ना कि चंद्र राशि के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके चार्ट में ग्रहों का गोचर क्या कहता है। चार्ट आपके सामने है दोस्तों। आपके चार्ट में आपके लग्नेश और सिक्स्थ भाव, जो कि रोग, कर्ज, शत्रु, नौकरी आदि का भाव है, इन दोनों भावों के स्वामी मंगल अप्रैल के पूरे महीने आपके एट्थ भाव में गोचर करते हुए राहु और गुरु के नक्षत्र पर हैं। इसके बाद सेकंड परिवार और धन भाव, फिफ्थ संतान प्यार आदि का भाव, इन दोनों भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक फिफ्थ भाव में अपनी मीन राशि में अस्त अवस्था में गोचर करते हुए बुध के नक्षत्र, राहु, शनि और खुद के उपनक्षत्र पर रहेंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में ही आपके सिक्स्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि रोग, शत्रु, कर्ज, नौकरी आदि का भाव है, और वहां पर सूर्य बुध राहु के साथ युति करते हुए 30 अप्रैल तक केतु के नक्षत्र पर और केतु शुक्र के उपनक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद आपके थर्ड हिम्मत, साहस, प्रयास, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का भाव, फोर्थ सुख भाव, इन दोनों भावों के स्वामी शनि, फोर्थ भाव में अपने ही खुद की कुंभ राशि में राहु के शतभिषा नक्षत्र, राहु, गुरु और खुद के उपनक्षत्र पर हैं। इसके बाद आपके चार्ट में सेवंथ शादी, व्यापार या पद प्राप्ति, और ट्वेल्थ भाव विदेश और खर्चों आदि के भाव के स्वामी शुक्र जो है 6 अप्रैल तक आपके सिक्स्थ भाव में मंगल की मेष राशि में राहु बुध के साथ गोचर करते हुए खुद के और सूर्य के नक्षत्र पर हैं। 6 अप्रैल को शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके सेवंथ भाव में अपनी खुद की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल तक चंद्र, सूर्य और मंगल के नक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में एट्थ भाव अचानक से जीवन में होने वाले परिवर्तनों का भाव है, बनते कामों में रुकावट का भाव है। 11th भाव लाभ और इच्छा पूर्ति आदि के भाव के स्वामी बुध जो है अप्रैल महीने में सिक्स्थ भाव में यानी कि मेष राशि में शुक्र राहु के साथ गोचर करते हुए केतु शुक्र के नक्षत्र पर रहेंगे। 21 अप्रैल को बुध जो है वक्री हो जाएंगे, 23 अप्रैल से महीने के आखिर तक अस्त भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके चार्ट में 9th भाग्य भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं और 10th कर्म भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक मीन राशि में यानी कि आपके फिफ्थ भाव में गुरु के साथ गोचर करते हुए बुध के रेवती नक्षत्र पर रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आपके सिक्स्थ भाव में यानी कि मेष राशि में प्रवेश करते ही बुध राहु के साथ युति करेंगे और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक केतु शुक्र के नक्षत्र पर भी रहेंगे। बात करें दोस्तों राहु महाराज की, राहु महाराज जो है अप्रैल महीने में आपके सिक्स्थ भाव में मंगल की मेष राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु के साथ गोचर करते हुए पूरा महीना केतु के नक्षत्र पर रहेंगे और शनि के उपनक्षत्र पर रहेंगे। रही बात केतु महाराज की, तो केतु महाराज आपके चार्ट में 12th भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र और शनि गुरु के उपनक्षत्र पर रहेंगे, यानी कि अप्रैल महीने में आपके लग्नेश 8th भाव में गोचर करेंगे और बुध के साथ राशि परिवर्तन भी करेंगे। देवगुरु अप्रैल के महीने में अस्त रहेंगे, बुध जो है 23 अप्रैल से महीने के आखिर तक अस्त रहेंगे, राहु केतु एक दूसरे के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है।
लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का केस स्टडी, जो समय समय पर आप दोस्तों के लिए हम अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। और इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो, आप दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ जो है कैसी रह सकती है। आने वाला अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला रहने की संभावना है। इस महीने आपके योग कारक ग्रह गुरु राहु, शनि और खुद के उप पर रहेंगे और शनि फोर्थ भाव में हेल्थ रिकवरी को मना करता है और वहीं राहु जो है रोग भाव में रहेंगे, सिक्स भाव में। इसके अलावा आपके लग्नेश मंगल की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, जिसके चलते सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। जितना हो सके इतना आपकी स्थिति से बचने का प्रयास करें, अच्छी आदतों का पालन करें, अपने शरीर के अनुकूल भोजन करें। इस महीने राहु गुरु सूर्य केतु के नक्षत्र पर रहेंगे, तीन ग्रह, और ये सिक्स भाव में होंगे जो कि रोग का भाव है, और खुद ये तीनों केतु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे जो कि ट्वेल्थ भाव में होगा, या यूं कहें कि मोक्ष त्रिकोण में 4, 8 और 12, ये भाव मोक्ष त्रिकोण के हैं। इनमें मंगल शनि केतु के चलते इस महीने आपको शरीर में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्वेल्थ भाव में केतु के गोचर करने से आपको नींद की समस्या हो सकती है। इस दौरान आप भरपूर नींद नहीं ले पाएंगे, जिसके चलते तनाव जो है बढ़ सकता है। ऐसे में आपको मेडिटेशन और जो व्यायाम है अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के लोगों का पारिवारिक जीवन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि सेकंड परिवार भाव का स्वामी गुरु इस महीने अस्त रहते हुए 22 अप्रैल तक बुध के नक्षत्र पर और बुध खुद सिक्स्थ भाव में। 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति खुद सिक्स भाव में और केतु के नक्षत्र पर, केतु ट्वेल्थ भाव में होने से आपको अपने ऊपर संयम रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में विवाद जो है खड़ा हो सकता है। एट्थ भाव में मंगल के गोचर के चलते परिवार में अशांति बनी रह सकती है। वहीं शनि भी फोर्थ भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको तर्क वितर्क या वाद विवाद से बचना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। परिवार में बातचीत जारी रखें वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और परिवार के साथ मुद्दों को सुलझाकर अच्छा तालमेल बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि परिवार की खुशियाँ बरकरार रहें। बात करेंगे आपकी लव लाइफ शादीशुदा जीवन की। तो अप्रैल का महीना लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के लिए भी मिला जुला रह सकता है, क्योंकि फिफ्थ भाव के स्वामी गुरु इस महीने जैसा अस्त रहेंगे 22 अप्रैल तक बुध के नक्षत्र पर और राहु शनि और खुद के उप नक्षत्र पर रहेंगे। राहु सिक्स भाव में होगा, शनि फोर्थ भाव में होगा और गुरु जो है 22 अप्रैल को एक तो अस्त होंगे, दूसरा 22 अप्रैल को वो सिक्स भाव में अपना गोचर शुरू करेंगे। 22 अप्रैल के बाद गुरु केतु के नक्षत्र पर रहेंगे। सेवंथ भाव का स्वामी और प्यार का कारक शुक्र 6 अप्रैल से पाप कर्तृ दोष में रहने के कारण लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में मधुरता और आपस में तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस दौरान आपका मन व्याकुल रह सकता है, प्रेम के लिए समय अच्छा नहीं है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं जीवन साथी के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मंगल एट्थ भाव में है लग्नेश, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। वहीं जो शादी योग्य लोग हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है और शादी का विचार बना रहे हैं, वह इस समय इस विचार को टाल दें, क्योंकि अप्रैल का महीना जो है शादी के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय शादी का योग बनता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों बात करेंगे कैरियर की। मार्च महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को कैरियर के मामले में भी मिले जुले परिणाम जो है मिलने की जो है संभावना रहेगी, जिसकी वजह से कैरियर के क्षेत्र में कई समस्याएं जो है खड़ी हो सकती हैं। शनि की वजह से किसी भी काम को पूरा करने में आपको काफी समय लग सकता है। काम में आपके द्वारा कई गलतियां हो सकती हैं, ऐसे में आपको अपने जो है काम उसके ऊपर पूरा फोकस करने की आवश्यकता होगी, या यूं कहें कि अपना 100% आपको वहां पर देना होगा, वरना काम के क्षेत्र में आपको कई मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए शांत रहकर आपको इन मुश्किलों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति से बचना चाहिए। इस महीने आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, भावनात्मक रूप से या काम पर जरूरत पड़ने पर अपने सहकर्मियों का समर्थन जरूर लें। यदि बात करें मंगल बुध के राशि परिवर्तन की, तो इस महीने आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे। आप में से कुछ जातकों को कैरियर के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ऐसे मौके आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित भी होंगे। 14 अप्रैल तक सरकारी नौकरी करने वालों को कुछ दबाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि 10th भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से 8th भाव यानी कि 5th भाव में गोचर करेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य
अपनी मूल त्रिकोण राशि से जो सिंह बनती है, गुरु के साथ गुरु की ही मीन राशि में रहेगा, इसलिए इस समय आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। वहीं व्यापारी पेशा लोगों के लिए यह महीना कुछ खास परिणाम देता नजर नहीं आ रहा। 22 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति द्वारा सिक्स्थ भाव में गोचर करने से अधिक लाभ मिलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही फिफ्थ भाव में, लेकिन राहु गुरु बुध सूर्य का सिक्स्थ भाव में गोचर करने से आपको कोई आपकी रुकी हुई पेमेंट या पैसा जो भी आपने उधार दिया हो या फिर आपने यदि कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हो तो वो 22 अप्रैल के बाद अप्रूव हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट या किसी रिस्क के काम से जुड़े हुए हैं, जिनको खासकर गुरु या सूर्य से संबंधित दशा या अंतरदशा चल रही है, वे लोग 22 अप्रैल तक अचानक मुनाफा बुक करने में कामयाब रह सकते हैं। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए अप्रैल का महीना जो है एवरेज से अच्छा रहने की संभावना है। बात करें आर्थिक पक्ष की तो अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि वालों को लाभ और हानि दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है। केतु का राहु के नक्षत्र पर गोचर और राहु द्वारा सिक्स्थ भाव में विराजमान रहने से विदेश से धन लाभ के योग भी बनेंगे। वहीं इस महीने कोई रुकी पेमेंट या उधार दी हुई पेमेंट भी आपको जो है इस महीने मिलने से आपकी जो आर्थिक पोजीशन है उसको बल मिलेगा, आर्थिक पोजीशन बढ़िया होगी। वहीं गुरु सूर्य और राहु द्वारा सिक्स्थ भाव में गोचर करते हुए केतु के नक्षत्र पर गोचर करना इस महीने आप शुभ कामों के लिए भी धन दान या धन खर्च कर सकते हैं। वही शनि द्वारा फोर्थ भाव में स्थित रहने से आपके पारिवारिक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और सेविंग की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले अप्रैल महीने के मासिक राशि फल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।